आज का दिन शेखावटी के इतिहास में खेल दिवस के रूप में जाना जाएगा। और जैसा नवाचारों का शेखावटी पर्याय रहा है, उसी के रिगार्डिंग में आप मीडिया का ध्यान चाहूँगा कि आने वाला कल सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं होगा। अच्छा इंस्टीट्यूट वो होगा, मैं तो पहले भी बोलता था ये बात, कि जहाँ तेल और बाती दोनों होंगे वो दिए जलेंगे। और अब तो तेल बाती के साथ साथ एक और बात आ गई, अनुशासन और शिक्षा तो होनी चाहिए, लेकिन अनुशासन और शिक्षा को बनाए रखने के लिए इस मोबाइल क्रांति में, इस मोटरसाइकिल क्रांति में जो अमूल चूल कोई मंत्र है तो उसका नाम है खेल। और मेरा ये मानना है कि आने वाले कल में इसकी महत्ता बढ़ेगी। जिस प्रकार से ओलंपिक में देश का नाम बढ़ा है, पहले के बजाय अब हमारे गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल बहुत अच्छे आ रहे हैं, उसी क्रम में आने वाला कल अगर हम इंडिया का अच्छा देखना चाहते हैं और कोविड के बाद जो संक्रमण काल को अगर हटाना चाहते हैं, तो ये जिम्मा शेखावाटी के रणबांकुरों को, शिक्षा के योद्धाओं को संभालना पड़ेगा। और इसमें हमेशा शेखावाटी ग्रुप लोसल, बीएल रणवा और उनकी पूरी टीम आगे रही है। आप सबका ध्यान आकर्षित चाहूँगा इस अवसर पर। आज के दिन शुभकामना भी दूंगा मीडिया को कि आपकी टीम ने एक बहुत बड़ा नवाचार किया है। ये जो प्रतियोगिता है, ये पिछले वर्ष से ही हमने कोविड के बाद ही एक फील्ड में हम उतरे, और लोसल कस्बा बाबा परमहंस की पावन धरा है, आज गर्व से फूला नहीं समा पा रहा कि सीकर के बड़े ग्रुपों को अगर हम छोड़ दें चुनिंदा 2-4-5 को, तो पूरा शेखावाटी ग्रुप पूरे राजस्थान में तहलका मचाने जा रहा है। आज आपको खुशी होगी, जो 14 छात्रा वर्ग है उसमें 4 छात्राओं का स्टेट सिलेक्शन हुआ है। 7 में से 4 का स्टेट सिलेक्शन होना एक बहुत बड़े गौरव की बात है। और आने वाले कल में पूरे खेल जगत को, शिक्षा जगत को समर्पित करते हुए ये बात कहना चाहूँगा कि हिमाचल पे, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब की तर्ज पे एक करीब 2.25 करोड़, 2.5 करोड़ का भी जा सकता है बजट, एक इंडोर मल्टीपल स्केयर खेल के लिए, नवाचारों के लिए, अपनी सहगामी गतिविधियों के लिए कितना बड़ा तोहफा राजस्थान के शेखावाटी की इस धरा पे आने वाला है कि लोग सरप्राइज हो जाएंगे। और हमारे ये जो बाल कलाकार, खेल के जो कलाकार हैं, ये गदगद हो जाएंगे। वो वातानुकूलित आ रहा है, जैसे हमारा लाइब्रेरी पूरे राजस्थान में एक मॉडल है, वैसे इंडोर स्टेडियम नहीं बोलेंगे उसको, मल्टीपल स्किल, जिस बच्चे में जो स्किल है उसको डेवलप करना शेखावाटी का उद्देश्य रहेगा। ये राजस्थान में एक बहुत पताका की तरह ये परचम लहराएगा। और अब मेरा ये मानना है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास करना एक स्कूल का उद्देश्य होना चाहिए, जो हमारी ये बेटियां दोनों तरफ खड़े होकर के इस समय राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। इन दोनों को, खेल की सारी प्रतिभाओं को बधाई देता हुआ, और नवरात्रों में मल्टीपल स्किल स्पेयर इंडोर के रूप में जो वातानुकूलित आ रहा है, मैं समझता हूँ जो हमारी स्कूलें स्कॉलरशिप देती है, कोई 1 करोड़ की, कोई 2 करोड़ की, कोई 50 लाख की, बीएल रणवा तो अपने बच्चों को 2.51 करोड़ की स्कॉलरशिप खेल के इंडोर के माध्यम से, जिसकी कोई फीस नहीं होगी, उसके अंदर स्टूडेंट तैयार होंगे, फीस चार्ज कभी नहीं होगी। जैसे हमारे लाइब्रेरी का कोई चार्ज नहीं है, वैसे हमारे इंडोर का कोई चार्ज नहीं होगा। आप सब मीडिया का आभार व्यक्त करता हुआ और हमारी बेटियों को बहुत बहुत बधाई देता हुआ, और सारे शिक्षा जगत और खेल जगत को शिक्षा का नुमाइंदा होने नाते सीकर को बधाई देता हुआ, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। मैं शेखावाटी स्कूल से बोल रही हूँ, मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं स्टडी के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी हमने अपनी इच्छा व्यक्त की, और हम 14 अंडर 14 कबड्डी में गए और हमने फर्स्ट ट्रॉफी ली है, फाइनल जीता है।